everyone, I'm Sonal Tiwari and I'm an artist from Noida. So today's videos is all about how to start canvas painting. ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि कैनवस पेंटिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए। मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आर्टिस्ट क्या यूज करते हैं और बिगनर्स को क्या यूज करना चाहिए। कैनवस को प्राइम करने के लिए जरूरी है दो चीजें। फर्स्ट, आप उसको कैसे प्राइम कर रहे हैं, सेकेंड उस पर कैसे ड्रॉइंग कर रहे हैं। कैनवास को प्राइम करने के लिए यूज करते हैं व्हाइट एक्रेलिक कलर, जो हर जगह हर स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। सेकेंड इज जेसो। जेसो एक थिक टेक्सचर पेस्ट होता है। दोनों को यूज करने का मेन एम होता है अपने कैनवास को स्मूथ करना, जो कैनवास के पोर्स होते हैं वो नहीं दिखे और एक मास्टरपीस जो हम बना रहे हैं उसमें एक स्मूथ इफेक्ट आए। कैनवस बोर्ड पे जरूरी है कुछ करना या फिर हम उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं? यस, आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए एक अच्छा स्मूथ इफेक्ट तो आपको बेस कोट करना चाहिए। आपने देखा दोनों को कैसे यूज करते हैं। अब बात आती है ड्राइंग की। ड्राइंग को आपको डायरेक्ट कैनवस पे नहीं करना है, पहले ड्राइंग शीट पे करना है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ येलो कार्बन उसको ट्रेस करना है। ब्लू कार्बन यूज नहीं करते हैं, ब्लू कार्बन से इंक स्प्रेड होती है। ये गलती 99% लोग करते हैं, तो आपको ब्लू कार्बन यूज नहीं करना है। डायरेक्ट कैनवस पे ड्राइंग आर्टिस्ट करते हैं जिनको समझ होती है उनको कितने एरिया में क्या ड्रॉ करना है। लाइक जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो मुझे समझ है फिगर्स की, कौन से फिगर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, कितने एरिया में करने हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए मैं कर सकती हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं करना। इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।